कौन सी गाड़ी का ECM है भैया ये? ये डस्टर का ECM है, डीजल डस्टर। डीजल डस्टर 110 कॉन्टिनेंटल। क्या हो गया इसमें? ये ECM खराब हो गया था, इसकी स्टार्टिंग ट्रबल आता है इस गाड़ी के अंदर, स्टार्ट नहीं होती, टाइम भी स्टार्ट नहीं होती और चलते चलते बंद हो गया। तो आप क्या कर, नया ECM डाल रहे हो इसके अंदर? मैं इसके अंदर ECM स्वैप करूंगा इस सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम। Hackerman, he's the most powerful hacker of all time. Follow me. ये है वो टूल, मेरा कैमरा एंगल चेंज करेंगे। ये जो पूरा तामझाम चल रहा है, ये इस तरीके का कुछ इसमें जोड़ेंगे। अगर कोई बोल रहा हो कि आपकी गाड़ी का ECM खराब हो गया, तो आपको पता कैसे चलेगा? चेक लाइट गाड़ी में नहीं आएगी। चेक लाइट आएगी ही नहीं? नहीं है, बस पावर सेक्शन से जब फॉल्ट आता है इसके बाद में, अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, देन इट कैन बी अ फॉल्ट ऑफ ECM। अगर जब वो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो भी फॉल्ट हो सकता है। कंफर्म कैसे करेंगे कि फॉल्ट है ECM में? स्कैन कर रहा है, स्कैन कर रहे। ये जो वायर का गुच्छा आप देख रहे हो, इसमें से खास पिन्स जो प्रोग्रामिंग के लिए हैं, वो कनेक्ट करी जाएंगी। जैसे पिन 1D जो है रेड कलर की, वो है 12 वोल्ट पॉजिटिव। पिन 3G जो ब्लैक कलर की है, वो है ग्राउंड। पिन 4A जो है वाइट कलर की, वो है कैन हाई। पिन 3A जो है ग्रीन कलर की, वो है कैन लो। जो वायर हमने सोल्डर किया था बूट पे, वो एलिगेटर क्लिप के साथ ग्रे कलर का है। और जो दो पिन पे CNF1 इन्होंने सोल्डर किया था, वो है ब्लू कलर का विद एलिगेटर क्लिप। फाइन सोल्डरिंग अगर आपके पॉइंट्स प्रॉपर नहीं है, जैसे लिखा है आपने रूल CFG और ECM, तो फॉल्ट हो सकता है, ECU खराब भी हो सकता है, फर्दर और फंक्शनिंग गड़बड़ हो सकती है। तो ये रिस्क आपको लेके करना है कि फाइन सोल्डरिंग पे ध्यान दें। दूसरा, एग्जैक्ट पार्ट नंबर सिलेक्ट करना सॉफ्टवेयर में प्रॉपरली जरूरी होता है। हम आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तैयारी करते हैं। कितनी देर वेट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को लोड होने के लिए? रीड सक्सेसफुली। तो अभी जो आपने सोल्डर किया था, वही आप दूसरे पे सोल्डर करना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली। ये हो गया हमारा काम, कुछ छोटे फॉल्ट्स बचे हैं इसमें, वो देखते हैं।